हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय हिंदी क्लास। बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरी हिंदी की क्लास में। आज हम हिंदी की एक्टिविटी बुक, आप लोगों की जो हिंदी की एक्टिविटी बुक है उसमें से पेज नंबर 39 और पेज नंबर 40 और पेज नंबर 41 पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इससे पहले संज्ञा पढ़ी थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। जिन लोगों ने लर्न कर लिया होगा उनमें से ये संज्ञा के कुछ शब्द दिए हुए हैं उनको आप अलग कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा भी दी है, जातिवाचक संज्ञा भी दिया है और भाववाचक भी संज्ञा शब्द दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ देखिए चार मीनार, चार मीनार कौन सी संज्ञा है? चार मीनार व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ईमानदारी, ईमानदारी वो ऐसा संज्ञा शब्द है जो किसी के गुण को बता रहा है, तो ये कौन सा है? भाववाचक संज्ञा है ना। किताब, किताब कहने से पर्टिकुलर कोई एक किताब तो नहीं है, कोई भी किताब हो सकती है, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, है ना। तो किताब कहने से ये जातिवाचक संज्ञा है ना। पर्वत, पर्वत कोई नाम तो नहीं है पर्वत का, बहुत सारे पर्वत है, तो ये कौन सी संज्ञा है बच्चों? ये जातिवाचक संज्ञा है। नदी, नदी जातिवाचक संज्ञा है, पर्टिकुलर कोई एक नाम नहीं है ना कि गंगा नदी है या ब्रह्मपुत्र है, इसलिए किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अमीरी, अमीरी किसी के गुण या दोष या भाव को हम कौन सा संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें यहाँ इसके गुण को बता रहा है कि वो अमीर है ना, तो ये किसमें आएगा बच्चों? अमीरी शब्द भाववाचक संज्ञा में आएगा। फल, फल, फल कहने से ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ये फ्रूट्स नेम है ना। हिमालय, हिमालय क्या है? हिमालय पर्वत है, तो ये किसमें आएगा बच्चों? हिमालय पर्वत को छोड़े और कोई दूसरा पर्वत नहीं होता, तो ये किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जानवर, अब जानवर कहने से पालतू जानवर है या जंगली जानवर है, ये किसमें आएगा बच्चों? ये आएगा जातिवाचक संज्ञा में। गंगा, गंगा एक नदी है, किसमें आएगी? ये आएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ एक ही है, इसलिए किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो अभी आपके बुक में और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, चलिए एक बार हम आपके बुक से सारी एक्टिविटी कर लेते हैं। ओके, टेक आउट पेज नंबर 39। मुझे पहचानो। मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम कुम्हार कहते हैं। मिट्टी के बर्तन मीन्स दिया हो गया, मटका हो गया, है ना, धोनी हो गया, ये सब कौन बनाता है बच्चों? कुम्हार बनाता है। मैं लोगों का इलाज करता हूँ। हमारा इलाज कौन करता है? चिकित्सक या डॉक्टर, है ना। चिकित्सक है ना। मैं कपड़े सिलता हूँ। हमारे कपड़े कौन सिलता है? दर्जी। मैं शिक्षा देने का काम करती हूँ। आपको पढ़ाता कौन है? मैडम पढ़ाती है ना, तो अध्यापिका। यहाँ अध्यापक भी हो सकता था, है ना, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? मैं शिक्षा देने का काम करती हूँ। करती हूँ इसलिए यहाँ हम लोगों ने क्या लिखा? अध्यापिका। मैं शिक्षा देने का काम करता हूँ होता तो हम यहाँ क्या लिखते? अध्यापक, है ना, लिंग चेंज हो जाता। मैं लोगों के बाल काटता हूँ। हम बाल कौन काटता है? नाई। मैं सुंदर सुंदर चित्र बनाता हूँ। चित्रकार, चित्रकार। मैं तुम्हारे लिए फसल उगाता हूँ। फसल कौन उगाता है? किसान।
ये लोग हमारी मदद करते हैं, मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाकर, कपड़ा सिलने का काम दर्जी, बाल काटने का काम नाई, ये सब किसकी मदद करते हैं बच्चों? प्यूपल्स की, ये लोगों की मदद करते हैं। ओके, पेज नंबर 40। नीचे कुछ संज्ञा के शब्द दिए गए हैं, उन्हें सही स्थान पर लिखिए। कल हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा था। जिन लोगों ने संज्ञा की परिभाषा अच्छे से लर्न कर लिया होगा वो बहुत ही इजीली बता देंगे, है ना। चार मीनार, चार मीनार, ये कौन सी संज्ञा है? चार मीनार व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, ईमानदारी, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा, यहाँ भाव समझ में आ रहा है ना। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा, किताब जातिवाचक संज्ञा, यहाँ किताब जातिवाचक संज्ञा। प्रेम, प्रेम मीन्स किसी का नाम भी हो सकता है ना, तो मैंने प्रेम को कहाँ लिखा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर क्या है बच्चों? पर्वत, पर्वत, पर्वत मीन्स पर्वत, है ना। तो ये पर्वत पर्टिकुलर एक नहीं है, नाम नहीं दिया हुआ है ना, तो ये किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। फिर सुंदरता, सुंदरता ये भाव प्रकट कर रहा है ना, उसके गुण को प्रकट कर रहा है, किसी की सुंदरता के बारे में प्रकट, सुंदरता को बता रहा है, तो ये किसमें जाएगा बच्चों? भाववाचक संज्ञा में। मैंने बताया था ना, गुण दोष या भाव के जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति का या गुण दोष या भाव प्रकट होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ क्या प्रकट हो रहा है? किसी की सुंदरता प्रकट हो रही है ना। फिर नदी, नदी, नदी कहने से ये एक नदी है तो इसकी जाति पता चल रही है ना हमें, तो किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अमीरी, अमीरी भाववाचक संज्ञा। फल, जातिवाचक संज्ञा। गंगा, गंगा बोलने से एक फेमस नाम है, एक प्रसिद्ध, गंगा बोलने से हमारे माइंड में सबसे पहले ये आता है गंगा नदी, तो ये कहाँ आएगा बच्चों? फिर दूसरी गंगा नदी तो नहीं है ना, केवल भारत देश में एक ही गंगा नदी है, तो ये किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, राजधानी है ना लखनऊ, तो ये एक फेमस नाम है लखनऊ जगह का, तो किस पे आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सच्चाई, ये किसी का गुण पता चल रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा में। लड़का, लड़का ये प्राणी है ना, लड़का व्यक्ति, ये समझ में आ रहा है ना, प्राणी जगत का है, तो किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। हिमालय, सारे भारत देश में केवल एक ही हिमालय पर्वत है ना, तो किसमें आएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जानवर, अब जानवर बोलने से उसमें पालतू जानवर भी हो सकते हैं, जंगली जानवर भी हो सकते हैं, तो उनके जाति का पता चल रहा है कि ये जानवर है ना, तो किसमें आएगा बच्चों? ये जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, लाल किला, रेड फोर्ट हमारे भारत देश में एक है जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में, तो ये किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ओके, समझ में आया? आप लोगों को संज्ञा अच्छे से लर्न करना होगा, उसकी परिभाषा तो बनेगी आप लोगों से। फिर पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 में क्या है बच्चों? चित्र देख दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ चित्र बना हुआ है और कुछ यहाँ वाक्य दिए हुए हैं, है ना, और हमें इस ब्रैकेट के अंदर देखिए कुछ शब्द भी दिए गए होंगे। आपको इन वाक्यों में जो शब्द सटीक लगे उनको भरकर इन वाक्यों को पूरा करना है। देखिए, मुझे खाली स्थान में जाना बहुत पसंद है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप इसे मुझे करके दिखाएंगे। ओके, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।